नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बात करना चाहते हैं मंगल दोष पर, क्योंकि जब भी शादी विवाह की बात आती है तो लोग पत्रिकाओं का मिलान करते हैं और पत्रिका मांगलिक है या नॉन मांगलिक है, ये बड़े ही एक विचारणीय विषय होता है शादियों के लिए। तो आखिर है क्या मंगल दोष? क्या मंगल दोष इतना खतरनाक है जितना लोग डरते हैं या नहीं है? तो कुंडली में जो 12 भाव होते हैं उनमें जब प्रथम भाव यानी कि लगन में सेकंड हाउस, फोर्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड ट्वेल्थ, इन भावों में अगर मंगल की स्थिति होती है तो कुंडली को मांगलिक कुंडली कहा जाता है। अब ये लगन से भी गिनती करते हैं इसकी, कुछ लोग चंद्रमा से भी करते हैं और कुछ लोग शुक्र से भी करते हैं, लेकिन लगन से और चंद्रमा से गिनती सबसे ज्यादा प्रचलित है। अब उसमें यही स्थितियां दूसरी कुंडली में भी देखी जाती हैं। अगर हम मेल की बात करेंगे और फीमेल से मैच करेंगे या फीमेल की मेल से मैच करेंगे कि दोनों कुंडलियों में दोनों ही कुंडलियां मांगलिक हैं या नहीं है। अब बात है ये कि क्या सचमुच मंगल इतने विध्वंसकारी हैं जितना भय है? ऐसा है नहीं, लेकिन मंगल दोष को मिलाना चाहिए क्योंकि मंगल होते हैं एक एनर्जी के ग्रह हैं, तो दोनों की जो फायर एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर एक की एनर्जी डाउन होगी तो दोनों का एक जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं बैठ पाता है, तो इसलिए मंगल को मैच किया जाता है। अब कई लोग कहते हैं कि जैसे 28 साल के बाद में मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं पे ये नहीं लिखा गया है वैदिक ज्योतिष में कि 28 साल के बाद में मंगल दोष खत्म हो जाता है। हाँ, उन्होंने इसलिए लोग मान लेते हैं क्योंकि उस वक्त में फिर शादी के लिए शायद लेट हो रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज फैक्टर भी मन में आ रहे होते हैं, या फिर मंगल दोष की पूजा कराते हैं कि उसको शांति करने के लिए पहले पीपल विवाह और कुंभ विवाह, बहुत सारे इस तरीके के तरीके हैं ताकि इस तरीके के जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसके वो हमारे वार्ड ऑफ हो जाएं। वो एक विचारणीय प्रश्न है, वो अपनी अपनी आस्था के ऊपर है, लेकिन करा लेने में दिक्कत नहीं है कोई भी। लेकिन विद्वान ब्राह्मण हों, पंडित हों, जो इस पूरी प्रक्रिया को जानते हैं, लेकिन मंगल केवल कुंडली में यहीं पर मंगल की स्थिति पोजिशन होने से ही आप कुंडली मांगलिक नहीं हो जाती है। बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिससे मंगल दोष कट जाता है, वो मिलान करना बहुत जरूरी है। और अधिकांश मैंने कुंडलियों में देखा है कि मंगल दोष बहुत कम बनता है, बल्कि बहुत सारे ऐसे जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है उनमें मंगल दोष कट जाता है जब दोनों कुंडलियों को मैच करते हैं। लेकिन कई बार लोग इसी बात पर रिजिड होते हैं कि नहीं, अगर यहां पर पहले घर में, दूसरे घर में या चौथे घर में और सातवें, आठवीं, बारहवीं है तो मंगल दोष है, ऐसा भी नहीं है। अच्छा हाँ, अब सेकंड हाउस में जो मंगल की है इसमें थोड़ी विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वानों ने सेकंड हाउस यानी कि द्वितीय हाउस में, सेकंड भाव में मंगल की स्थिति को मांगलिक नहीं माना है, कुछ लोग मानते हैं। तो ये कई बार केवल एक व्यक्ति के मानने से नहीं है, क्योंकि कई बार मान लीजिए कि अगर लड़के वाले हैं वो ये मान के बैठे हैं तो वो उनके भी अपने पंडित जी होंगे, उनकी भी एक रिटिरिटी होगी, उनकी भी एक होगी। अगर मन में कोई भी आदमी शादी जैसे फैसले में कोई भी इफ एंड बट नहीं करना चाहते तो बेहतर है कि मंगल दोष में कुंडली मैच कर ली जाए, लेकिन कोई विद्वान व्यक्ति से मिलवाए ताकि ये जाने कि मंगल दोष है भी या कट भी रहा है, क्योंकि 75% केसेज में मंगल दोष कट रहा होता है। लेकिन केवल मंगल की स्थिति पर ही मंगल दोष पर रिजिड हो जाना, मान लेना कि मंगल दोष है, ऐसा बिल्कुल भी। तो चलिए, मंगल से कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है, अमंगल कुछ नहीं होता है, बस एक बार उसे अच्छे से मिलाएं और देखें। चलिए आज के लिए इतना ही।